हेलो दोस्तों, मैं हिंदू गुरु गोयल अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने जो हल्दी टर्मरिक होती है वो जर्मिनेट की है। कैसे जर्मिनेट की है, अगर आप ये मेरा वीडियो जो मैंने ये लगा रहा हूँ इसको अगर पसंद करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे जर्मिनेट करें सूखी हल्दी से। आज मैं आपको इसको प्लांट करने का तरीका बता रहा हूँ, जिससे कि आप अपने घर में यूज़ होने वाली टर्मरिक या हल्दी जो पाउडर यूज़ करते हैं मसालों के रूप में, स्पाइसेस के रूप में, वो आप 6 महीने में जो है आप 1 साल की लगभग 10 किलो हल्दी जो है यूज़ कर सकते हैं। 10 किलो हल्दी आपकी पैदावार होगी। ये एक सीमेंट की बोरी है, मैंने ली है, देखिए इसमें मिट्टी भर ली है और थोड़ी खाद मिला के भर ली है, गोबर खाद। तो आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप 10 से 15 किलो हल्दी 6 महीने में उगा सकते हैं। जो कच्ची हल्दी रहती है दोस्तों, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं वो ऐसे हैं कि आप इसको फेस में लगा सकते हैं, या कई बेनिफिट्स हैं इसके। तो लेकिन आज मैं आपको जो है हल्दी जो है 10 से 15 किलो की पैदावार अपने घर पर, किचन गार्डन पर, टेरेस पर कैसे करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा वीडियो देखिए। देखिए मैंने यहाँ गार्डन में और भी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो मैं आज हल्दी प्लांट कर रहा हूँ। मैंने हल्दी स्प्राउट कर चुके हैं इसको, तो ये वीडियो आज आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसको देखिए, ये देखिए मैंने ये इस पॉलीथीन में इसको स्प्राउट किया है, इसकी जड़ें निकली हुई हैं। ये हल्दी है, ये देखिए। तो मैं इसको आज इसमें बोरी में लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे और हल्दी उगा सकते हैं। इसका ऊपर का कोना थोड़ा सा टूट गया है, ये देखिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये देखिए। इस प्रकार एक इसमें बोरी में 50 किलो की जो सीमेंट की बोरी आती है, इसमें आप पूरी मिट्टी भर लीजिए। मिट्टी भरने के बाद में दोस्तों खाद और वो मिला के मिट्टी भर लीजिए, और इसमें एक हल्दी का सिर्फ एक गठान जो स्प्राउट की हुई है इसे आप लगा दीजिए दोस्तों। इससे आपकी 10 से 15 किलो हल्दी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इसे कहते हैं दोस्तों हाउ टू ग्रो टर्मरिक, या हाउ टू ग्रो हल्दी, हल्दी स्पाइसेस। ये मैंने इसमें रख दी है और इसे मिट्टी से कवर कर दिया है। इसे ज़्यादा नीचे ना डालें, 3 से 4 इंच जो है बस वो डालें, और ऊपर से इसमें फिर पानी डाल देंगे हम। इसको जो है थोड़े से मोटे इसमें आप डालेंगे, जो ऊपर से मिट्टी है और थोड़ी खड़ी हो, पाउडर ना हो, थोड़ी सी इसको एयर के लिए जगह बना के रखते हैं, और इसमें फिर पानी डालेंगे। ये घोल के पूरा सेट हो जाएगा दोस्तों। तो बेटा पानी लाओ एक बाल्टी में। तो आज मैं आपको 10 से 15 किलो हल्दी अपने घर पे कैसे उगाएं, उसका पैदावार कैसे करें वो तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसका स्प्राउटिंग का जो तरीका है, हल्दी को कैसे स्प्राउट करते हैं, या इसको हल्दी के जो सीड्स आते हैं उसको कैसे जर्मिनेट करते हैं घर पर ही आसानी से, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों थोड़ा मैं जब तक पानी ला रहे हैं तब तक आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूं। देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी भी लगाई हुई है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। देखिए स्ट्रॉबेरी फली हुई है, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, ये रुद्राक्ष का प्लांट है दोस्तों, ये देखिए, ये एक और स्ट्रॉबेरी का प्लांट है जिसमें देखिए फ्लावर्स आ गए हैं। इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा घर पर कैसे लगाएं। जो आप घर में स्ट्रॉबेरी खाते हैं स्ट्रॉबेरी से ही स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा बादाम लगाया हुआ है, और इसमें जो छोटे जर्मिनेट हो गए हैं ये हैं अपराजिता जो आते हैं, ये ब्लू अपराजिता के प्लांट हैं। ये ड्रैगन फ्रूट हैं, देखिए स्ट्रॉबेरी स्प्राउट किए हुए हैं। ये स्ट्रॉबेरी सीड कैसे जर्मिनेट करेंगे वो तरीका भी मैंने बताया। ये देखिए इसमें जो है आपके
नींबू के बीज जो है स्प्राउट हो रहे हैं, इसके सीडलिंग्स हैं ये। अच्छे से देखिए, देखिए दिख रहे हैं आपको। और ये जो है आपके संतरे जो होते हैं, घर में हम खाते हैं उनके बीजों से संतरे उगाए हुए हैं। और दोस्तों मैंने इसमें वो भी डाल के रखा है, आपके पारिजात जो नाइट जैस्मिन होते हैं उसके पौधे। ये स्ट्रॉबेरी स्प्राउट की हुई है, ये देखिए इसमें टमाटर स्प्राउट किया हुआ है, ये टमाटर हैं। ये इलायची जो हमने लगाई थी बीज से, ये अभी इतने पौधे बढ़ गए इलायची के, तो इसमें पानी डालेंगे दोस्तों। बेटा वो छोटा वाला गमला उठाओ, इसे ज़्यादा नीचे मत डालिएगा क्योंकि इसके राइजोम्स जो होते हैं हल्दी के वो नीचे पूरी तरह से बढ़ेंगे। इसमें अच्छे से पानी डाल दीजिए, इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे नीचे से बोरी में भी पानी मिलते रहे। कहीं पे भी रख सकते हैं, एसी के नीचे भी रख सकते हैं आप। एसी के नीचे रखने से क्या होगा कि जब भी पानी गिरते रहेगा धीरे धीरे इसको बूंद बूंद पानी मिलते रहेगा। ये गर्मी में ज़्यादा अच्छा फसल होती है इसकी, गर्मी के लिए बेस्ट होता है। इस तरीके से दोस्तों इसमें पानी डाल देंगे तो ये आपका साल भर में आपको दो फसल देगा, जो कि यानी लगभग 20-25 किलो हल्दी हो जाएगी मतलब साल भर में आपके पास, जिससे आपको मार्केट से हल्दी खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए। हल्दी स्प्राउट करने का तरीका अगर आप जानना चाहते तो मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।